जय महाकाल दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सोमवार का उपाय बताने वाला हूँ। सोमवार के दिन आपको 2 लौंग 1 रुपये के सिक्के का उपाय करना है, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अक्सर दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं, धन नहीं रुक पाता है, धन के बिना सारे कार्य नहीं हो पाते, सभी कार्य रुक जाते हैं। तो आपको मैं धन का उपाय बता रहा हूँ, अगर सोमवार के दिन आप ये उपाय करते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटे में जल भर लेना है और सुबह स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ देना है। उस लोटे से सूर्य देव को अर्घ देना है, उसमें आपको थोड़ी सी शक्कर और 5 चावल के दाने डाल लेने हैं। फिर सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद में उसी लोटे में आपको जल भरना है और 2 लौंग और 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है। अब आप जाएंगे शिव मंदिर, सबसे पहले शिव जी को नमस्कार करेंगे, अपना नाम और गोत्रोच्चारण करेंगे और उस लोटे के जल से महाकाल भोलेनाथ का आपको अभिषेक करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि उस लोटे में आपको थोड़ा सा गंगा जल और 5 चावल के दाने जरूर डालने हैं। भगवान शिव का अभिषेक करते समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। दोस्तों अगर आप एक बेलपत्र भी साथ में ले जाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर मिल जाता है तो, नहीं तो आप एक पुष्प भी साथ में ले सकते हैं। अभिषेक करने के बाद में आपको 1 रुपये का सिक्का 2 लौंग हाथ में रख लेने हैं। हाथ में रखने के बाद में आपको भगवान शिव की से प्रार्थना करते हुए और वह आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देने, वह दोनों चीज़ें आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है, वहाँ पर एक दीपक जला देना है और जाप पूरा होने के बाद में अपनी धन की इच्छा बोल करके वो 2 लौंग और 1 रुपये का सिक्का आपको उठा लाना है। अब आपको पीले कपड़े में बांध करके यह अपने तिजोरी में रख देने। दोस्तों आपके धीरे धीरे धन आना शुरू हो जाएगा, कर्ज दूर होगा, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय।